पे मौजूद है। आप लोग अपने उन्हीं पेजेस को अगर खोलते हैं दोबारा तो आप देखेंगे कि आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन उन पेजेस पे, व्हाट्सएप पे मैंने आपके साथ दो पेजेस शेयर किए थे, वो लोग अगर आप शेयर कर सकें वहां पे देख सकें। उसमें हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन आपको मिलेगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मैं डिफाइन कर रही हूँ डिफरेंट वे, यू कैन राइट दैट डाउन। इट इज द कंडक्टेंस, अगर आप लोगों के पास पेपर पेन है तो प्लीज इसे लिख लीजिए। Equivalent conductance is the conductance of a volume of a solution containing 1 gram equivalent of dissolved substance when placed between two parallel electrodes 1 meter apart and large enough to contain between them all of the solution. I'm going to repeat it. It is the conductance of a volume of a solution containing 1 gram equivalent of dissolved substance when placed between two parallel electrodes 1 meter apart and large enough to contain between them all of the solution. अगर आप लोग इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें 1 gram equivalent of a substance यूज किया गया है। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लास्ट टाइम आपको डिफाइन किया था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर किसी भी सब्सटेंस का आप एक ग्राम इक्विवेलेंट किसी रखते हैं कंटेनर के अंदर और वो कंटेनर काफी बड़ा है, उस कंटेनर में अगर आपने 1 gram इक्विवेलेंट डाला, उसके इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस हमने मेजर करना है कि वो 1 centimeter है, 1 meter है, 10 centimeter है, व्हाटएवर द यूनिट दे हैव, वो एक दूसरे से कितने दूर हैं और उनका टोटल एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना है जिसमें वो आप लिक्विड ऐड कर रहे हैं या आप सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। इसमें आपके पास ये लिमिट नहीं है, वैसे तो हम इसे नॉर्मली 1 dm³ कैलकुलेट करते हैं जब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर इसमें जो आपको एक एज मिलता है वो ये होता है कि यू कैन ऐड मोर सॉल्वेंट इन इट बट द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इज कांस्टेंट। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने एक स्पेसिफिक डालनी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप चेंज कर सकते हैं। सॉल्यूट जो है वो 1 gram इक्विवेलेंट होगा, आप उसमें सॉल्वेंट की वेरिएशन कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम कि दिस इज अ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जितनी कंडक्टेंस वो करेगा उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। और अगर आप अपने नोट्स में देख रहे हैं तो यू विल गेट दैट लैम्डा, हम इसे लैम्डा कहते हैं। ये उल्टा वी अगर आप इसे देखें तो उल्टा वी आपको इसके सिंबल में नजर आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा। लैम्डा इज इट्स कैपा पे आपने देखा होगा, उसके बाद आपके पास लैम्डा आएगा और लैम्डा जो है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू कैपा इनटू वी। कैपा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वी इज अ वॉल्यूम। अब कैपा अगर आप देख रहे हैं तो कैपा इज इक्वल टू 1/r, r इज फॉर रेजिस्टेंस इनटू l/a। अभी मैंने आपको जब जी स्टूडेंट समझ आ रही है मेरी बात की, लैम्डा जो है लैम्डा इज इक्वल टू कैपा इनटू वी एंड कैपा इज इक्वल टू यू नो 1/r इनटू l/a। ये लास्ट टाइम हमने किया था, इसमें सिंपली हमने कैपा को वी से मल्टीप्लाई करना है। सो जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो आपकी प्रोडक्ट है कैपा इंटू वी की। कैपा के आपको यूनिट्स मालूम है पर ओम पर सेंटीमीटर था और जब हमने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, यू नो द वॉल्यूम यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, तो इट बिकम्स पर ओम पर सेंटीमीटर, सॉरी नॉट पर सेंटीमीटर, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट जो है वो इसका अमाउंट है सॉल्यूट की, ओम जो है उसकी रेजिस्टेंस है, पर ओम उसकी कंडक्टेंस है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया है। l/a जब हम कैलकुलेट करते हैं तो L is in centimeter and A is into centimeter cube. So, के यूनिट
जाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ये हमने 1000 ओवर एन लेनी होती है क्या अपने 1000 यहाँ पे हमारे पास एज मजी क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपने लिखा होगा जी क्या कह रहे हैं आप आवाज साफ नहीं आ रही है आवाज साफ नहीं आ रही है आवाज तो मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ अब आपको आवाज साफ नहीं आ रही तो आपके अपने इंटरनेट के दरमियान में प्रॉब्लम आ रहा होगा उसका उसका मेरे पास तो कोई सलूशन मौजूद नहीं है मेरी साइड से आवाज जो है मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो ये तो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं बच्चे आप एनीवे ये जो मैंने आपको अभी बताया आपके पास हैंड आउट मौजूद है ना यस मैम हैंडआउट्स में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए उसके यूनिट्स देख लीजिए एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि इसको कैसे वेरिएशन होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की नॉर्मली एक क्वेश्चन किया जाता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन व्हाइल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन का मतलब है यू आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑल द टाइम जब आप कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की चेंज कर रहे होते हैं उसकी कंडक्टेंस की जो है वो वेरिएशन आ रही होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने एक अमाउंट डाल दी इसका मतलब जब आपने अमाउंट सॉल्यूट की डाल दी तो आपने नंबर ऑफ आयंस जो है उसके अंदर एक कांस्टेंट फिक्स कर दिए जैसे ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज सून एज इट गोज इनटू अ सॉल्वेंट इट चेंजेस इनटू आयंस और आयंस में चेंज होगा तो वो कैरियर बन जाएगा कंडक्टेंस के लिए और आपके आयंस जो है दे विल जस्ट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा स्पेसिफिक में से कि आपने 1000 ml में 1 gram इक्विवेलेंट डाल दिया अब आप उसको क्या करते हैं कि आप उसकी जगह 1000 को उसको 1500 ml कर देते हैं जब आप उसको 1500 ml करते हैं तो क्या हुआ आपके जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फार अवे हो गए एक दूसरे से उनकी मूवमेंट आसान हो गई उनकी आपस की इंटरेक्टिंग फोर्सेस कम हो गई उनके दो चीजें हुई एक तो उनकी अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई दूसरा उनकी अपनी जो म्यूचुअल थी इंट्रैक्शन वो कम हो गई और जब उनकी इंट्रैक्शन कम हो गई तो वो आसानी से मूव कर सकेंगे उसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस जो है एक तो वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज होगी दूसरी उनकी आपस की मूवमेंट कम होगी मूवमेंट फास्ट होगी तो उनकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी अगर आप 1500 से उसे 2000 ml तक डायल्यूट कर लेते हैं तो आप देखेंगे उसकी फर्दर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डायल्यूट करते जाएंगे अप टू इन्फिनिट डायल्यूशन तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी वो डिक्रीज नहीं होगी इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन द अदर हैंड अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते हैं क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं इसलिए उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है अब क्योंकि आपके पास इसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होती है आपके पास फॉर्मूला है कैपा इनटू वी मीन कि आपकी स्पेसिफिक जो है कंडक्टेंस वो तो कम हो रही है लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कम होने के साथ साथ कई फोल्ड जो है वो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अगर चीज डिक्रीज हो रही है कुछ पोर्शन उसका तो दूसरी साइड पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और एज अ टोटल रिजल्ट प्रोडक्ट जो है कैपा इंटू वी की वो इंक्रीज होगी और जब वो इंक्रीज होगी तो आपका लैम्डा जो है वो इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है अगर आप ये देखें ग्राफ आपके पास प्लॉट हुआ हुआ पड़ा होगा लैम्डा अगेंस्ट स्केयर रूट ऑफ सी जो है उसको जब हम लैम्डा के करते हैं तो आपका जब कंसंट्रेशन जीरो पे है तो आपकी कंडक्टेंस आप देखें कि मैक्सिमम पे इट मींस कि इनफिनिट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस मैक्सिमम है और जैसे जैसे कंडक्टेंस आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है अलोंग द ग्राफ राइट साइड पे इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ दूसरी साइड पे जो दूसरा ग्राफ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए प्लॉट किया गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक और फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है जैसे ही आप उसको डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को आयंस एक दूसरे से फार अपार्ट आते हैं उनकी दोबारा कंबाइनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है
क्योंकि आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी मैटर करती है. जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगी तो एक फर्दर फैक्टर आपके पास इंक्रीज होगा, दैट इज द नंबर ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट आयंस और मूविंग आयंस इंक्रीज होंगे. इसलिए अगर आप इसमें देखें तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी कंडक्टेंस बिल्कुल शार्प इंक्रीज आपको नजर आएगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको एक कंसिस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो नजर आता है विद द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और विद द डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जबकि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इसका ऑपोजिट नजर आता है, इंक्रीज इसमें भी नजर आता है, लेकिन इसमें जो इंक्रीज है वो शार्प इंक्रीज है. और शार्प इंक्रीज करने में एक एडिशनल फैक्टर जो ऐड हो रहा है वो है नंबर ऑफ आयंस का, कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और ड्यू टू द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है. सो इसके लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है दैट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन व्हाइल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन विद द रीजनिंग देयर आर थ्री फैक्टर्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो रही है, इंटरैक्शन ऑफ आयंस डिक्रीज हो रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसेस में आपके नंबर ऑफ आयंस कॉन्स्टेंट रह रहे हैं, आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू लेस इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आपने डिस्कस करना होता है, उनकी वेलोसिटी, उनके नंबर ऑफ आयंस और उनकी आपस की इंट्रैक्टिंग फोर्स. इस तीन फैक्टर्स की बेस पे आप डिस्कस करते हैं कि किसी कौन सी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और कौन सी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी. और जो आपका चौथा फैक्टर इसमें आता है वो आपका मैथमेटिकल फैक्टर है. मैथमेटिकली आप कहते हैं कैपा इज इक्वल कैपा इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा. तो कैपा जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो अगर डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आपकी कंडक्टेंस जो है प्रोडक्ट जो है टोटल लैम्डा का वो इंक्रीज हो जाता है. तो सो दिस शुड बी क्लियर हेयर कि आपकी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. Up to here, are you clear? These students, any response? Yes, ma'am. आपको यहाँ तक समझ आ गई तो मैं मोलर कंडक्टेंस की तरफ मूव करूँ? Yes, ma'am. ठीक है. Now we will move towards molar conductance. Molar conductance भी definition wise बिल्कुल same है as your equivalent conductances. कोई खास उसमें फर्क नहीं आता. Same definition है. अच्छा, जो हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको उसके एक तो बता दिए थे यूनिट्स जो कि हम ड्राइव कर रहे थे. दूसरे यूनिट्स जो उसके आते हैं वो हमारे पास आते हैं कैपा इंटू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट. जब हम ओहम को रिप्लेस साइमन से करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स में बताया था कि हम पर ओहम भी लेते हैं, हम मो भी लेते हैं और हम साइमन भी लेते हैं. तो हियर यू कैन राइट एज वेल साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू इक्विवेलेंट जो है वो भी इसके कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं और इनको हम साइमन वाले यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स कहते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन सिमिलर है, सिर्फ उसमें आपको फर्क क्या है, अपने सोल्यूट में ग्राम इक्विवेलेंट की जगह वन मोल ऐड करना है, सोल्यूट का वन मोल ऐड करना है. सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन जो मैं आपको आपकी बुक में मैंने आपको पेज सेंड किया उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. यू जस्ट राइट डाउन इट प्लीज. द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of a volume of a solution containing one mole of the solute when placed between two parallel electrodes 1 meter apart and large enough to contain between them all the solution it is represented
as mu. And is equal to the product of specific conductance and volume containing one mole of the solute. और यहां पे हम लैम्डा की जगह म्यू लिखते हैं. म्यू इज इक्वल टू कैपा इन टू बी. म्यू इज इक्वल टू कैपा इन टू बी. सिमिलरली कैपा इन टू बी जो है आप उसी तरह से इसको कैपा इन टू बी लेते. मैं एक दफा फिर डेफिनेशन आपको रिपीट कर देती हूँ. द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ द सॉल्यूट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 meter अपार्ट एंड लार्ज इनफ टू कंटेन बिटवीन देम इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू एंड इज इक्वल टू द product of the specific conductance and the volume containing one mole of the solute. Mu is equal to kappa into V. You know what is kappa? Kappa is specific conductance and V again is a volume and both are equal to mu. उसी तरह से जब हम इसके units derive करेंगे तो आपके units जो हैं वो per ohm centimeter square इंटू पर मोल आ जाएंगे. इंटू पर मोल आ जाएंगे. वहां पे हमारे पर इक्विवेलेंट थे, यहां पे हमारे पर मोल होंगे. और आइदर यू कैन राइट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये दो इसके यूनिट्स होंगे. बिल्कुल उसी तरह से हम कहेंगे कि हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, कंटेनर का कोई भी साइज ले सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए. उसके अंदर आप 1 mole ऑफ सोल्यूट एड करेंगे, 1 dm³ उसको अप टू सोल्यूशन बनाएंगे. तो ये आपका मोलर उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी जिसमें आपके इलेक्ट्रोड्स 1 meter अपार्ट होंगे और एरिया जो है वो उनका 1 centimeter स्क्वायर या 1 centimeter स्क्वायर होगा. जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर यूज कर लें या मीटर यूज कर लें, यू आर यूजिंग द सिमिलर यूनिट्स फॉर ऑल द कैलकुलेशंस. जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी आप इनके सारी कैलकुलेशन जो है वो सिमिलर यूनिट्स में करेंगे. अगर आप ओहम में चल रहे हैं तो आप ओहम लेंगे, अगर आप मोह में चल रहे हैं आप साइमन यूज कर रहे हैं, अगर आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो फिर आप एरिया भी सेंटीमीटर में होगा, लेंथ भी सेंटीमीटर में. अगर आप मीटर यूज कर रहे हैं तो बोथ थिंग्स शुड बी इन द मीटर. तो आपका कोई भी कंटेनर है दैट शुड बी इलेक्ट्रोड शुड बी यूनिट अपार्ट एंड द एरिया शुड बी अ यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आप उसके अंदर जितना भी आप सोल्यूट डालेंगे 1 mole डालेंगे और उसको उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे. आपका सॉल्वेंट जो है वो चेंज होता जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने डिस्कस की है. उसी तरह से मोलर कंडक्टेंस भी जो है वो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन होती है. जैसे जैसे आप उसके अमाउंट इंक्रीज करते जाते हैं सॉल्वेंट की, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जाता है. और जैसे जैसे वो डाइल्यूट होता जाता है कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाती है. इसमें मेजर फैक्टर्स दो ही आते हैं, एक तो उसकी वेलोसिटी आती है और दूसरा जो है वो उसकी आपस की इंट्रैक्शन आती है आयंस की. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी आयनिक फोर्सेज इंट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा होती हैं. और जैसे ही वो एक दूसरे से फार अपार्ट आते हैं वो एक दूसरे के बगैर जो है वो कनेक्ट करते हैं. अगर आप लोगों ने इसके लिए पढ़ना है तो आप लोगों को कोहल रॉश लॉ आप सब लोगों ने नेक्स्ट टाइम पढ़ना है. और मैंने आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में कोहल रॉश लॉ जो है वो पूछना भी है. होपफुली हमारी एक मीटिंग जो है वो होगी, उसके बाद ऑन इंशाल्लाह फेस टू फेस क्लासेस पे हम लोग आ जाएंगे. एंड व्हेन वी विल बी ऑन फेस टू फेस क्लासेस तो हम ये पूरा चैप्टर जो है वो एक दफा रिवाइज जरूर करेंगे एक लेक्चर के अंदर. Yes, students, is clear with the Yes, ma'am. अभी मैंने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो है आपके साथ टेम्परेचर इफेक्ट डिस्कस करना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो किस तरह से आता है.
ये आपको हैंडआउट्स की फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको ये सारी स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगी कि कितनी डाइल्यूशन पे क्या है। इसी तरह से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये टेबल है, ये आपको बताएं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद टेम्परेचर जो है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे क्या होता है कि जब आपकी कंडक्टेंस नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी कंडक्टेंस जो है वो चेंज होती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसमें हम कहते हैं कि जी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इन सर्टन केसेस कंडक्टेंस डिक्रीज भी हो सकती है और अप टू सर्टन लिमिट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपके टेबल लिखा गया है वो ये है कि कंडक्टेंस जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्रीज कर रहे हैं तो इसे ऑलमोस्ट 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 1.12 टू 1.29। तो अगर वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ आयंस, इसमें रीजन क्या है, दो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, स्पीड जो है उनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है। अब ये दो चीजें हमें देखनी है कि नंबर ऑफ आयंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है और उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसमें दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन होती है जब वो एंडोथर्मिक होते हैं और कुछ जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, जब आयोनाइज होते हैं तो दे आर एक्सोथर्मिक। जो एंडोथर्मिक होते हैं वो जब आप उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनते हैं और जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो नंबर ऑफ आयंस आपके सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ आयंस हीट करने पे जब इंक्रीज हुए साथ में उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हुई तो उनमें डबल फोल्ड जो है वो इंक्रीज इन कंडक्टेंस आएगा। और जो एक्सोथर्मिक है उनमें रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा, अगर आप ऑलरेडी उनको हीट इवॉल्व कर रहे हैं, आप उन्हें बाहर से भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो फर्दर उनकी स्टॉप हो जाएगी उनकी आयन में कन्वर्ट होना और उनकी कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो ये दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। दोनों में हमें ये देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर तो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा उसका, उसमें आपके नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो गए, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी डेफिनेटली इंक्रीज करती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ये तो आपको पता है कि जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज करती है, मूवमेंट इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो मेजॉरिटी केसेस में तो हम ये लेते हैं कि इनकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में हम ये लेते हैं कि उनकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फिनोमेना जो है ये आपको इसको देखना है दोनों में कि ये इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस जो है वो कैसे जा रही है, इसमें दोनों फैक्टर्स आपने देखने हैं और आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, माइनस एच है, इन्होंने माइनस एच और डेल्टा एच पॉजिटिव के साथ ही उसको डिस्कस कर दिए। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मोस्टली एक सर्टेन टेम्परेचर तक तो एक्सोथर्मिक के लिए भी फेवरेबल होता है, जैसे रूम टेम्परेचर आजकल बहुत लो है, हम कहेंगे कि जी ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कभी भी किसी के लिए फिजिबल नहीं होता। तो उसमें आपको ये चाहिए होगा कि आप उसको थोड़ा सा हीट करें तो आयोनाइज अच्छी तरह से होने लग जाएंगे। नॉर्मली जो हम टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर लेते हैं वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 4-fold जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो बाकी हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों में करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारा चैप्टर का कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह गया है कि हमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नजर आ रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इजीली आयोनाइज नहीं होते और कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। यहाँ भी इन्होंने कुछ सिंपल सी एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे हमारे मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इन दोनों के जो सॉल्ट होते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो कि मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये आपके हम कहते हैं इसी तरह से ऑर्गेनिक बेसिस जो हैं वो वीक बेसिस हैं, और सॉल्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द वीक एसिड्स एंड द वीक बेसिस आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड सेल कॉन्स्टेंट जो है ये हमारा नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। अभी मैं आपके लिए होमवर्क का काम जो है वो ये है कि जो आज हमने सारी कंडक्टेंस की हैं तो आप इनके सारों के न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं यू विल सॉल्व दैट। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का पेज जो है वो भिजवा दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोगों ने वो सारे सॉल्व करने हैं, और फिर जो सेल कॉन्स्टेंट हो जाएगा कम्प्लीट तो जितने भी न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे वो आप लोग कर पाएंगे। Anything you want to ask, you want to share, अगर आप लोग कुछ भी अभी बात करना चाह रहे हैं अपना अपना माइक वन बाय वन ऑन करें और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क और आई शुड फिनिश द मीटिंग। जी मैम। हाँ जी बताइए, कुछ समझ आया आपको? जी मैम। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैंने आज क्या पढ़ा? मैम मैंने लिखा नहीं। आपने लिखा नहीं, आपने समझा तो होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ाया और उसके बाद क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? कुछ समझ थोड़ा बहुत आया हो आप लोग है? चलें एनीवे आप लोग सब लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा जो भी कुछ है आपके पास। आपके पास हैंडआउट्स हैं सारे कंप्लीट? यस मैम। Yes, है ना, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा सब लोग। नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या अभी तक समझा है, क्योंकि लास्ट टू टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। और फिर फेब में जब आप लोग आएंगे तो मैं ये पूरा चैप्टर जो है ना आप लोगों से टेस्ट फॉर्म में और रिवीजन फॉर्म में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? लेकिन पढ़ के आप लोगों ने आना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 9 बजे या 9:15 बजे मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी। आप लोग इन टच रहा करें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे साथ इन टच रहा करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे दोबारा कोई ग्रुप बनाना पड़ता है तो मैं इमीडिएटली आपको सेंड कर देती हूँ। यस मैम।